हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए अब देखते हैं 1.5 ट्रांसपोर्ट इन द सिटी। तो अगर लोगों को सबर्ब उपनगरीय बस्तियां से सिटी तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो भला लोगों को सिटी छोड़कर गार्डन जो एरिया है जो बाहर बनाया है उसमें जाकर रहने के लिए कैसे वो तैयार हो सकते थे। लंदन के अंडरग्राउंड रेलवे ने हाउसिंग जो प्रॉब्लम थी को एक हद तक हल कर दिया था। इसके जरिए भारी संख्या में लोग सिटी के बाहर आ जा सकते थे। दुनिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड भूमिगत रेल के पहले सेक्शन का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 यानी कि 1863 को किया गया था। ये लाइन लंदन की पेडिंगटन और पेरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले ही दिन 10,000 पैसेंजर यानी कि यात्रियों ने इस रेल में यात्रा की। इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली गाड़ी आ रही थी। 1880 तक अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो चुका था और इसमें एनुअल यानी कि सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करने आते थे। शुरू में अंडरग्राउंड रेलवे की कल्पना से लोग डर जाते थे। इस बारे में अखबार में एक रीडर ने इन शब्दों में चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी। मैं जिस डिब्बे में बैठा था वो पाइप पीते मुसाफरों से भरा हुआ था। डिब्बे का माहौल सल्फर कोयले की धूल और ऊपर लगी गैस के लैंप से निकलती गन से अटा हुआ था। हालत ये थी कि जब हम मुरगेट स्टेशन पहुंचे तब तक मैं एस्फिक्सेशन यानी कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हीट यानी कि गर्मी के कारण मैं अधमरा हो चुका था। मेरा मानना है कि इन अंडरग्राउंड रेलवेज का फौरन इनको बंद कर देना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही भयानक खतरा है। फिगर 7 में आप देख सकते हैं लंदन में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। एल्स्टेड टाइम का ये 1868 का ये अखबार। तो न्यू वर्ड्स में हमने देखा कि सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने की जो प्रॉब्लम है, जो एहसास है, उसे न्यू वर्ड्स में दिखाया गया है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इन आयरन मॉन्स्टर्स ने सिटी की अफरा तफरी और अनहेल्दीनेस को पूरी तरह से बदल के रख दिया है और ये माहौल पूरा अनहेल्दीनेस बढ़ा दिया है। निर्माण की प्रोसेस में होने वाले बेहिसाब विनाश के बारे में चार्ल्स डिकन्स ने डॉम्बी एंड सन 1848 में लिखा कि मकान गिरा दिए गए, सड़कों को तोड़कर बंद कर दिया गया, जमीन में गहरे गड्ढे और खाइयां खोदी गई, चारों तरफ बेहिसाब मिट्टी और धूल के अंबार लगा दिए, अधूरेपन की 100,000 शक्लें और सब्सटेंस यानी कि पदार्थ सामने थे, उलट पुलट अपनी जगह बदलते बदलते जमीन में घुसे हुए। तकरीबन 2 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए एवरेज 900 घर गिरा दिए जाते थे। इस प्रकार लंदन में बनी ट्यूब रेलवे के कारण लंदन के गरीबों को उजाड़ दिया गया, खास तौर से 2 वर्ल्ड वॉर के बीच में। बहरहाल इन सारी अड़चनों के बावजूद अंडरग्राउंड रेलवे एक जबरदस्त कामयाबी साबित हुई। 20th सेंचुरी आते आते न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो जैसे ज्यादातर विशाल महानगर अपनी वेल फंक्शनिंग ट्रांसिट सिस्टम के बिना नहीं रह सकते थे। नतीजा ये हुआ कि सिटी की पॉपुलेशन और बिखरने लगी। बेटर प्लान सबर्ब्स यानी कि सुनियोजित जो उपनगरीय इलाके थे और अच्छे रेलवे नेटवर्क की बदौलत बहुत सारे लोगों के लिए मध्य यानी कि बीच में लंदन के सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल लंदन से बाहर रहते हुए रोज काम पर आना आसान हो गया था। इन नई कन्वीनियंस यानी कि सुविधाओं के
सामाजिक ऊंच नीच को कमजोर किया, तो ये नए किस्म के भेदभाव पैदा कर दिए थे। इन बदलावों से लोगों के डोमेस्टिक और पब्लिक लाइफ पर क्या असर पड़ा? क्या उनका सभी का सोशल ग्रुप के लिए एक जैसा ही महत्व था? फिगर 8 में आप देख सकते हैं कि गोल्ड्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का एडवर्टाइजमेंट है। सन 1900 के आसपास का ये पिक्चर है। एडवर्टाइजमेंट लोगों को हरे भरे, कम भीड़ वाले, सुंदर सबर्ग इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया जाता था। फिगर 9 में आप देख सकते हैं कि लंदन की सड़कों पर काउज यानी कि गाय, मॉडर्न सिटी बनाने के लिए सड़कों को भी साफ करने का फैसला किया गया। 19 सेंचुरी में लंदन की सड़कों पर गाय की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता था, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है।